आज वर्ल्ड में जो वाइन प्रोडक्शन होता है उसकी 3 बोतल में से 1 बोतल इंडिया कंज्यूम करता है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। इंडिया में बात करें तो 140 करोड़ की आबादी में 29 करोड़ लोग साल में कभी ना कभी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। अगर 10 साल में जो कंजम्पशन है इंडिया में 38% से बढ़ा है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में, इस सेक्टर को समझेंगे कि ओवरऑल क्या डिमांड है सेक्टर में और किस तरीके से इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये सेक्टर बढ़ता हुआ जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री से। गिनीज बुक के अकॉर्डिंग 600 BC में वाइन प्रोडक्शन के सबूत मिलते हैं जॉर्जिया में। जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो फिर चाहे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, इजिप्ट की सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, हर जगह इसके सबूत मिलते हैं। बात करें तो वर्ल्ड की जो आज पॉपुलेशन है वो है 788 करोड़, और 788 करोड़ में से 230 करोड़ लोग साल में कभी ना कभी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 29% लोग वर्ल्ड में पूरे साल में कभी ना कभी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? बहुत सेंसिटिव विषय है, मगर डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। हम ये वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करेंगे जो टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बात करें वर्ल्ड के अल्कोहल मार्केट के साइज की तो ये है 11,65,000 करोड़ का 2022 की डेटा के हिसाब से, और 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 15,00,000 करोड़ के तकरीबन, और 2.51% CAGR से हर साल ये ग्रो करेगा, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है। वर्ल्ड की 5 अल्कोहल प्रोड्यूसर कंट्री कौन कौन सी है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो इंडिया है वो 10th रैंक पे आता है इसमें। ग्लोबल कंज्यूमर कौन कौन है, अगर हम लोग बात करें कंजम्पशन की तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी चाइना करता है और कंज्यूम भी चाइना ही करता है। पर कैपिटा कंजम्पशन फिर भी चाइना का काफी लो है, अगर हम लोग एवरेज बात करें वर्ल्ड वाइड है। पर कैपिटा कंजम्पशन क्या होता है, जो टोटल कंज्यूम हो रहा है अल्कोहल अगर हम लोग डिवाइड करें पूरे पॉपुलेशन से, तो हर एक आदमी कितना कंज्यूम कर रहा है, तो फिर जो पी रहा है जो नहीं पी रहा है सब पे ये एवरेज आएगा, उसे कहते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन। पर कैपिटा एवरेज कंजम्पशन की बात करें तो ये है 6.18 लीटर पर ईयर। हर एक आदमी पूरे साल में कम से कम 6 लीटर शराब पीता है, कंज्यूम करता है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये मौसम के हिसाब से भी जितनी भी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन साइड रहती हैं, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वहाँ का जो कंजम्पशन है वो 10 लीटर से भी ज़्यादा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हैं अल्कोहल, और ऐसी 38 कंट्री है जिनका कंजम्पशन वर्ल्ड के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। बात करें US की तो US 9.97 लीटर एवरेज कंज्यूम करता है पर कैपिटा अल्कोहल, और चाइना की बात करें तो 6.04 एवरेज कंज्यूम करता है चाइना पर कैपिटा। और इंडिया और चाइना में वर्ल्ड वाइड जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफ़ी लो है अब तक। और एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करती है कंट्री, वो आप चेक कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, मेक्सिको, US, इटली, ये सब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी कौन है अल्कोहल प्रोड्यूस करने में, तो ये चाइना की कंपनी, आप चेक कर सकते हैं नाम यहाँ पे। और चाइना की पॉपुलेशन इतनी है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बाद भी कंज्यूम भी चाइना ही करता है। अब बात करते हैं कि इंपोर्टर वर्ल्ड में सबसे बड़े कौन है, जो 5 इंपोर्टर हैं वो है अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं शराब। बात करें इंडिया की तो इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यूनाइटेड अरब, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे ही इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो भी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट ग्रोथ की। जैसे कि हमने देखा कि वर्ल्ड का जो अल्कोहल का आज का मार्केट है वो है 11,00,000 करोड़ का, और ये बढ़ के हो जाएगा 2030 तक 15,000 करोड़, 2.51% CAGR से बढ़ेगा ये 2030 तक। आज जो इंडिया का मार्केट साइज़ है अल्कोहल का वो है 4,00,000 करोड़, और ये आने वाले 2027 तक 6.53% CAGR से बढ़ेगा। हम लोग ये देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो 3 times ज़्यादा है अगर वर्ल्ड का हम लोग एवरेज देखें। वर्ल्ड में जो ग्रोथ हो रही है 2.51%, पर इंडिया में 6% से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा। क्या की डिमांड है जो इस सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है? इंडिया आज वर्ल्ड का 9 सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है अल्कोहल का। आज इंडिया धीरे धीरे तेजी से सेक्टर में आगे बढ़ता जा रहा है, मगर जो पर कैपिटा कंजम्पशन है आज भी कम है, वर्ल्ड की है 6.18% और इंडिया में 5.2% पर कैपिटा कंजम्पशन है, और ये तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इंडियन सोसाइटी में बहुत पहले से अल्कोहल का कंजम्पशन रहा है, मगर 17th सेंचुरी में जब फ्रांस, लंदन और इटली और यूरोपियन देश जब यहाँ पे आए व्यापार करने, तो उन्होंने अपने साथ अपना कल्चर भी लाया, मतलब जो वो ड्रिंक करते थे, जो अल्कोहल कंज्यूम करते थे, उन्होंने वो भी लाया। मगर जिसमें जो बूस्ट आया वो आया 1991 के बाद, जब LPG रिफॉर्म्स हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्रीज़ ने अपने जो बॉर्डर्स हैं ओपन किए लोगों को
ट्रेड करने के लिए, मगर सिर्फ जी इंडिया है, इंडिया ने जो अपने रिफॉर्म्स है वो 1991 में किए, उसके पीछे भी रीजंस है वो कभी जानेंगे। पर एलपीजी रिफॉर्म के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज आई, वेस्टर्न कल्चर आया, और वेस्टर्न कल्चर्स के बाद यहाँ पे पार्टीज करना और शराब पीना धीरे धीरे पब्स और बार में आम हो गए। कैट ए सिटीज में ही ज्यादा इसका डिमांड हमको देखने के लिए मिलता है। और जिस तरीके से धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्कोहल कंजम्पशन को एक प्रीमियम प्रोडक्ट माना जा रहा है। जिस तरीके से नेशनल इनकम बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ पे भी हमको डिमांड देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लोग बात करें 2010 और 2011 के डेटा के हिसाब से, तो 62,000 रुपीज़ हर एक इंडियन एवरेज कमाता था पूरे साल में, मगर ये 2019 के डेटा के हिसाब से 94,000 रुपीज़ हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनकम है वो 50% से बढ़ी हुई है, और जो अल्कोहल का कंजम्पशन है लास्ट 10 साल में 38% से बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं कि इनकम भी बढ़ रही है और अल्कोहल का कंजम्पशन भी हमको देखने के लिए मिल रहा है बढ़ता हुआ। अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो लास्ट 10 साल में बढ़ा है। पहले जो ये था वो 4.3 लीटर पर ईयर था पर एडल्ट, मगर ये बढ़ के हो गया 5.9 लीटर पर ईयर 2017 के डेटा के हिसाब से, मतलब 38% का हमको जंप देखने को मिला। और एक एस्टिमेट है कि 2030 तक ये बढ़ के 7.6 लीटर पर ईयर हो जाएगा, मतलब जो वर्ल्ड का एवरेज डिमांड है उसको भी ये ब्रेक कर देगा। हम बात करें यंग पॉपुलेशन की, तो इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो 62% है। 15 साल से लेके 40 साल के बीच में जितने भी लोग हैं वो 62% में आते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो धीरे धीरे जिस तरीके से उनकी इनकम बढ़ रही है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि आगे ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी वर्ल्ड मार्केट को बीट कर देगा, ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो गवर्नमेंट ने अल्कोहल को जीएसटी में नहीं रखा है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो 1,75,000 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट किया था गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो करनी और कथनी में एक फर्क देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक नशा मुक्ति केंद्र भी चलाती है और यहां से बढ़िया टैक्स लगा के एक बढ़िया टैक्स भी कलेक्ट करती है अल्कोहल पे। इंडिया के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे अल्कोहल टोटली बैंड है, वो बिहार है, गुजरात है, नागालैंड है, मिजोरम है। अगर बात करें लोग स्टेट गवर्नमेंट की, तो 1/4 टैक्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अल्कोहल से आता है। अगर गवर्नमेंट ने अल्कोहल सडनली अगर बंद कर दिया तो गवर्नमेंट की बहुत सी जो पॉलिसीज हैं वो भी बंद करनी पड़ेगी, वहाँ पे गवर्नमेंट फंड नहीं कर पाएगी उसको। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी है इस सेक्टर में, उनका मार्केट शेयर क्या है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट लीडर है वो यूनाइटेड स्पिरिट, और बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनीज हैं। यूनाइटेड स्पिरिट जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करती है 33%। अगर हम लोग ये देख सकते हैं कि इस मार्केट में अगर हमको बूज देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा फायदा यूनाइटेड स्पिरिट को होगा। और यूनाइटेड स्पिरिट ये इंडियन कंपनी नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कौन सी है कंपनी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें कि ये नॉलेज लोगों तक भी पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।